खुदा को अपनी बनावट पर शक हुआ, बनाया था इंसान हैवानियत कब हुआ। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं सुरेंद्र प्रजापत। साथियों, आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना निकल कर आ रही है यूपी के मुरादाबाद के कांट कस्बे से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक 7 साल की नाबालिग बच्ची दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ बेरहमी तरीके से दरिंदगी की गई है। साथियों बता दें कि यूपी के मुरादाबाद से घटना निकल कर आई है बुधवार को यह घटना। साथियों, एक मछुआरे के घर एक 7 साल की बच्ची, जी हाँ श्याम, को 5 बजे अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई थी। श्याम के 5 बजे बुधवार को खेलने के बाद सभी वहाँ एक साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वो अचानक गायब हो गई। गायब होने के बाद दोस्तों उनके परिवार वालों ने उनका हेरा करा, वो बहुत जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। दोस्तों रात के शाम के 7 बज गए लेकिन वो नहीं मिली। 2 से 3 घंटे हो गई, पूरी रात हो गई दोस्तों हेरते थे लेकिन वो सुबह तक नहीं पाई। इस बीच हार कर बता दें कि उन्होंने दोस्तों पुलिस थाने में कंप्लेंट कराई, कांट थाने में कंप्लेंट जाकर कराई सुबह 7 बजे। दोस्तों पूरे गांव में दोस्तों ढिंढोरा पीट दिया कि लड़की उनकी खो गई। चारों तरफ दोस्तों हाहाकार मच गया गांव में बुरी तरह से कि लड़की को हेरने के लिए खुद आसपास के दोस्तों पड़ोसी गाँव वाले भी हेरने लगे लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। आखिरकार सुबह 7 बजे गुमशुदा के नाम पर थाने में तलाश दर्ज कराई। साथ ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसकी तलाशी करने लगी। इसी बीच जी हाँ, बुधवार को लड़की खेल रही थी शाम को 5 बजे और गुरुवार की शाम को वो लड़की एक गन्ने के खेत में घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर खेत में पड़ी मिली, जिस पर दोस्तों शरीर पर भी कपड़े नहीं थे। साथ ही आप देख सकते हैं कि उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट में पता लगा कि उसके साथ पहले दरिंदगी और रेप की गई है। साथ ही उसके लड़की के साथ दूसरी क्लास में पढ़ने वाली, आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरी क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची 7 साल के एक साथ बेरहमी तरीके से रेप किया गया है। रेप करने के बाद जी हाँ दोस्तों, उसके साथ उसे का गला घोट कर मार दिया गया। रेप करने के बाद में ये बेहद दरिंदगी निकल कर सामने आ रही है यूपी के मेरठ के कांट जिले से। साथियों आप देख सकते हैं लगातार किस प्रकार दोस्तों घटना निकल कर सामने आ रही है। बेटियों के साथ दोस्तों बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार हैवानियत के संदेश निकल कर सामने आ रहे हैं। तो साथियों ये बेहद शर्मनाक घटना, इसने केस दर्ज कर लिया गया है और अब आरोपियों की तलाश जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अपने छोटे भाई का साथ बनाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने माता पिताओं की सेवा करें, अपने ख्याल रखें। धन्यवाद।